अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शुएब, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। उम्मीद कर रहा हूं व्यूअर्स, आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। बहुत से व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर मैं आज वीडियो बना रहा हूं फिजिबिलिटी पार्ट 4 पर, या आप इसे प्रॉफिटेबल पेयर कह सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इस पे 3 वीडियो दे चुकी हैं। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, उनका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन किया हुआ है, वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो आज मैं दो किस्म की आपसे पेयर डिस्कस करूंगा। तो उसमें बताऊंगा कि अगर आप वो पेयर लगाएंगे और उसमें चिक्स की पॉसिबिलिटीज क्या आएंगी, और उससे आपके पास कितनी अर्निंग हो सकती है एक सीजन में। वीडियो के टॉपिक पर जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिएगा, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरे पुराने सब्सक्राइबर बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। चले व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। जो आज मैं आपसे पहला पेयर डिस्कस कर रहा हूँ वो होगा जी ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू, और साथ में हम लेते हैं वायलेट पार ब्लू। ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू की हम लेते हैं हम मेल लेते हैं, और वायलेट पार ब्लू का हम लेते हैं फीमेल लेते हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं जी ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू की जो हमने मेल लिया उसकी कास्ट मार्केट में कितनी होती है। अंदाजन वो आपको 20,000 का किसी ब्रीडर से मिल जाएगा। और तस्वीर में आप देख रहे हैं वायलेट पार ब्लू, वायलेट पार ब्लू की एक प्राइस जो मार्केट में वो तकरीबन आपको 30,000 का मिल जाएगा। तो ग्रीन यूविंग और वायलेट पार ब्लू लगाने से जो हमारे पास टोटल पेयर कास्ट आएगी वो होगी 50,000। 50,000 में हम ये अगर पेयर लगाते हैं तो इससे आने वाली पॉसिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं कि इससे हमारे पास क्या क्या चीज़ हासिल हो सकती है। सबसे पहले जो हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी वो होगी ग्रीन फिशर होगी, जो स्प्लिट ब्लू 1 होगा या ब्लू 2 होगा। वो ब्लू 1 है या ब्लू 2 है वो आपको टेस्ट ब्रीड से ही पता चलेगा। इसी तरह आपके पास सेकंड पॉसिबिलिटीज आएगी वो होगी ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू 1 या ब्लू 2। ये भी आपको ब्लू 1 है या ब्लू 2 है ये भी आपको टेस्ट ब्रीड से ही पता चलेगा। इसके अलावा जो थर्ड पॉसिबिलिटीज आएगी वो होगी ब्लू फिशर आएगा, और जो फोर्थ पॉसिबिलिटी होगी वो आपके पास आएगा ब्लू यूविंग आएगा, और जो इसके अलावा फिफ्थ पॉसिबिलिटी होगी वो हमारे पास आएगी, पिक्चर में आप देख रहे हैं वायलेट फिशर आएगा, और इसके साथ साथ जो सिक्स पॉसिबिलिटीज होगी वो हमारे पास आएगा वायलेट यूविंग फिश ही आएगा, और जो इसके अलावा जो सेवन पॉसिबिलिटीज होगी वो हमारे पास आएंगी पार ब्लू फिशर आएंगे, और इसके अलावा जो लास्ट और एट्थ पॉसिबिलिटीज होगी वो हमारे पास आएगी पार ब्लू यूविंग फिश ही आएगी। अब हम चेक कर लेते हैं कि इनकी कास्ट, ये अगर हम पेयर लगाएं तो इससे आने वाले चिक्स की कास्ट क्या होगी। जैसा कि आप ये चार्ट में देख रहे हैं कि अगर हमने ये पेयर लगाया ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू का मेल लगाया और साथ में हमने वायलेट पार ब्लू की फीमेल लगाई, तो उससे जो रिजल्ट हासिल हुआ हमारे पास आए ग्रीन फिशर आए, ग्रीन यूविंग आया। ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू और ब्लू या ब्लू टू होगा, यानी कि वो स्प्लिट ब्लू होगा या स्प्लिट पार ब्लू होगा। इसी तरह हमारे पास जो ग्रीन यूविंग आया वो भी स्प्लिट ब्लू होगा या स्प्लिट पार ब्लू होगा, ये हमें टेस्ट ब्रीड से ही पता चलेगा। जो जो हमारे पास चिक्स पॉसिबिलिटीज आएगी उसमें हम ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू या ब्लू टू हम 5,000 का सेल कर सकते हैं। इस तरह जो ग्रीन यूविंग ब्लू 1 या ब्लू 2 आएगा वो हम 18,000 से 20,000 तक सेल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड पॉसिबिलिटीज आप चार्ट में देख रहे हैं, हमारे पास आया ब्लू फिशर आया, वो हम मार्केट में यानी कि 8,000 तक तकरीबन सेल कर सकते हैं। और इस तरह हमारे पास जो फोर्थ पॉसिबिलिटीज में आप देख रहे हैं ब्लू यूविंग फिशरी होगी, वो हम तकरीबन 25 से 28,000 तक सेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आया जी वायलेट फिशर, वायलेट फिशर की जो हम सेल कर सकते हैं वो 9 से 10,000 तक हम सेल कर सकते हैं, और जो वायलेट यूविंग होगा वो हम मार्केट में तकरीबन 30,000 का सेल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आया जी पार ब्लू फिशर, पार ब्लू फिशर हम 18 से 20,000 का मार्केट में सेल कर सकते हैं, और उसके अलावा जो लास्ट पॉसिबिलिटीज आएगी वो होगी पार ब्लू यूविंग फिशरी होगी, जो हम तकरीबन मार्केट में 30,000 का सेल कर सकते हैं। इस तरह आप देख रहे हैं नेक्स्ट चार्ट देख रहे हैं कि अगर हम ये पेड़ लगा रहेंगे ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू का मेल लिया और जो फीमेल हमने वायलेट पार ब्लू की ली, उसके उससे हमारे पास टोटल पेड़ कास्ट आई हमारे पास 50,000। 50,000 टोटल पेयर कास्ट आई, तो तकरीबन हम एक क्लच में हम अप्रॉक्सीमेटली ये 8 किस्म की पॉसिबिलिटीज में हमारे पास, अगर चार एक क्लच में 4 चिक्स निकलते हैं उसमें मेल या फीमेल जो भी होंगी आप उससे डीएनए करवाना पड़ेगा उसके लिए, तो तकरीबन आप एक क्लच में 4 चिक्स की एवरेज के हिसाब से हम जो चिक्स ले रहे हैं वो हम तकरीबन 70,000 तक सेल कर सकते हैं। तो एक सीजन में हम आसानी से इससे 3 क्लच ले सकते हैं। 3 क्लच लेंगे तो तीनों क्लच की मैंने आपको देख रहे होंगे चार्ट पे 70,000 के हिसाब से देखा जाए तो हम एक क्लच में यानी कि एक सीजन में इस पेयर से तकरीबन 2,10,000 तक कमा सकते हैं 3 क्लच लेके। अगर आप फोस्टिंग पेयर यूज करेंगे तो इससे आप ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं। ये अब हम चेक कर लेते हैं जी सेकंड पेयर। सेकंड पेयर मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो होगा जी, उसमें हम जो मेल लेते हैं वो हम लेते हैं वायलेट ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल लेते हैं,
और साथ में हम जो फीमेल लेंगे हम लेंगे पार्ब्लू यूविंग की फीमेल लेंगे। इसमें मैंने जो यूविंग बर्ड इस दफ़ा मैंने फीमेल लगाई है, जो मेल मैंने लिया वो वायलेट ग्रीन और प्लाइंट स्प्रिट ब्लू का मेल लिया। ये अब जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं इसकी मार्केट वैल्यू ये आपको तकरीबन 75,000 का मिल जाएगा। और इस तरह पार्ब्लू यूविंग जो आप फीमेल देख रहे हैं ये आपको मार्केट से तकरीबन 30 से 35 हज़ार तक मिल जाएगी। अगर आप ये पेड़ लगाते हैं वायलेट ग्रीन और प्लाइन स्प्रिट ब्लू का मेल लेते हैं और पार्ब्लू यूविंग फिशरी की हम फीमेल लेते हैं, तो ये टोटल पेड़ का हमारे पास बन जाएगी 1,05,000। इसमें इस पेड़ के लगाने की एक ये खूसियत है क्योंकि इसमें एक तरफ ओपलाइन आ गया, तो इसमें जितनी भी हमारे पास विजुअल ओपलाइन आएंगे वो सब के सब फीमेल होंगी। इसमें हमें डीएनए करवाने की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि इसमें जितनी भी विजुअल ओपलाइन आएंगे वो सब के सब फीमेल होंगी। और इसके बाद इसके अलावा जो दूसरे बर्ड्स होंगे वो सब के सब मेल होंगे। ये एक कन्फर्म सी बात होती है, इसमें आपको डीएनए करवाने की नहीं जरूरत होती। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसमें जी मेल कितनी किस्म के आ सकते हैं और क्या क्या आ सकते हैं, और इसमें फीमेल कितनी किस्म की आ सकती हैं। ये पेड़ लगाने से आपको काफ़ी मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशन की विजुअल फीमेल मिल सकती हैं और इस तरह आपको मुख्तलिफ किस्म के मेल भी मिल सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं हम इससे ये पेड़ लगाने से हमारे पास क्या चार्ट में रिजल्ट आता है। जी अगर हम वायलेट ग्रीन और प्लांट स्प्रिट ब्लू का मेल लेते हैं और जो फीमेल लेते हैं हम वो लेते हैं पार्ब्लू यूविंग की, तो इससे जो हमारे पास पहले हम चेक कर लेते हैं इससे हमारे पास क्या क्या फीमेल आएंगी। इसमें जो फीमेल की पॉसिबिलिटीज होगी सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, वो हमारे पास आएगी वायलेट ओ प्लान आएगा ही। वायलेट ओ प्लान जो हमारे पास विजुअल आया वो एक्चुअली वो हुई फीमेल, तो वो हम तकरीबन मार्केट में 70,000 तक सेल कर सकते हैं। इससे इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटीज आएगी वो होगी ब्लू ओपलाइन। ब्लू ओपलाइन के हमारे पास फीमेल आएंगी जो हम मार्केट में तकरीबन 65,000 के हिसाब से सेल कर सकते हैं। जो थर्ड पॉसिबिलिटीज होगी वो हम देखेंगे जी, उसमें वो हमारे पास आया वायलेट पार्ब्लू ओपलाइन आई, वो तकरीबन हम मार्केट में 90,000 तक सेल कर सकते हैं। और फोर्थ पॉसिबिलिटीज में हम देखेंगे पार्ब्लू ओपलाइन आई, ये तकरीबन मार्केट में 80,000 तक सेल कर सकते हैं। फिफ्थ पॉसिबिलिटीज में हम देखेंगे वायलेट पार्ब्लू यूविंग ओपलाइन आई, ये मार्केट में तकरीबन 1,00,000 तक सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो सिक्स पॉसिबिलिटीज होगी वो होगी पार्ब्लू यूविंग ओपलाइन। पार्ब्लू यूविंग ओपलाइन हम 90,000 तक सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज होगी वो हमारे पास आएगी वायलेट यूविंग ओपलाइन आएगी, ये हम तकरीबन मार्केट में 85,000 तक सेल कर सकते हैं। इससे हमारे पास ब्लू यूविंग ओपलाइन भी आएगी, ये भी हम मार्केट में तकरीबन 80,000 तक सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड लास्ट जो पॉसिबिलिटीज आएगी वो होगी ग्रीन ओपलाइन जो स्प्लिट ब्लू या स्प्लिट ब्लू टू होगी, यानी कि ब्लू होगी या पार्ब्लू टू हो पार्ब्लू होगी। यानी नाइन्थ पॉसिबिलिटी में हमारे पास जो ग्रीन ओपलाइन फीमेल आएगी वो क्या नाम है स्प्लिट ब्लू है या स्प्लिट पार्ट ब्लू है, ये हम टेस्ट ब्रीड से ही पता कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉसिबिलिटीज होगी फीमेल की वो हमारे पास आएगी ग्रीन यूविंग ओपलाइन, ये भी स्प्लिट ब्लू वन या ब्लू टू होगी, यानी कि ये ग्रीन यूविंग ओपलाइन हमारे पास आई वो स्प्लिट स्प्लिट ब्लू होगी या स्प्लिट पार्ट ब्लू होगी, ये भी हम टेस्ट ब्रीड से पता कर सकते हैं। ये इसमें 10 किस्म की हमारे पास फीमेल आती हैं, ये सब के सब विजुअल ओपलाइन होंगी, इसके हमें डीएनए करवाने की जरूरत नहीं होगी। साथ साथ मैंने आपको बताया इसकी कास्ट कि हम कितनी मार्केट में इसके किस प्राइस पे मार्केट में सेल कर सकते हैं। इस तरह हम चेक कर लेते हैं कि इससे हमारे पास जो मेल आएंगे मेल की पॉसिबिलिटीज क्या होगी और हम मार्केट में कितने किस रेट पर उसको सेल कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास जो मेल आया उसमें जी सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, वो हमारे पास आएगा वायलेट फिशर जो स्प्लिट ओपलाइन भी होगा, ये मार्केट में तकरीबन 40,000 तक सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज आएगी वो होगी ब्लू फिशर स्प्लिट ओपलाइन, ये मार्केट में 40,000 तक ये भी सेल कर सकते हैं। कुछ लोग वायलेट का रेट ब्लू से कुछ हज़ार ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन ये तकरीबन ये सेम सेम रेट पे भी सेल हो जाते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी जो आएगी वो होगी वायलेट पार्ट ब्लू जो स्प्लिट ओपलाइन होगा, ये तकरीबन 55,000 तक हम सेल कर सकते हैं। और फोर्थ पॉसिबिलिटी हमारे पास जो पार्ट ब्लू आएगा वो भी स्प्लिट ओपलाइन होगा, वो हम मार्केट में तकरीबन 50,000 तक सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होगी वो हमारे पास आएगी वायलेट यूविंग पार्ब्लू होगी जो स्प्लिट ओपलाइन होगी, ये हम सी मार्केट में 60,000 तक सेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास पार्ब्लू यूविंग स्प्लिट ओपलाइन आएंगे, ये भी हम 55,000 का मार्केट में सेल कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास होगी वायलेट यूविंग आएगा जो स्प्लिट ओपलाइन होगा, ये मार्केट में 45,000 तक सेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मार्केट में नेक्स्ट जो प्रोसेस नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आ सकती है वो होगा ब्लू यूविंग स्प्लिट ओपलाइन होगी, ये मार्केट में हम ये भी हम 45,000 तक सेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ग्रीन फिशर आएगा ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू ओपलाइन होगा, ये ब्लू वन भी होगा हो सकता है ब्लू टू भी हो सकता है, ये आपको टेस्ट ब्रीड से ही पता चलेगा। इससे हमारे पास ग्रीन यूविंग फिशर स्प्लिट ब्लू ओपलाइन आएगा वो ब्लू वन भी हो सकता है या ब्लू टू भी हो सकता है, ये भी हमें टेस्ट ब्रीड से पता चलेगा, ये मार्केट में तीनों 35,000 तक सेल कर सकते हैं।
ये थ्री चार्ट, इसमें जो ये पेड़ लगाया हमने वायलेट ग्रीन और प्लांट स्पिरिट ब्लू का, और साथ से फीमेल लगाई हमने पार्बलो यूवी की। इससे जितने भी विजुअल बर्ड्स आएंगे सब के सब फीमेल होंगी, और जितने भी दूसरे बर्ड फिशरी बर्ड्स आएंगे वो स्प्लिट ओपाइन होंगे और सब के सब मेल होंगे। इसमें हमें डीएनए करवाने की जरूरत नहीं होती है। चलो चेक कर लेते हैं जी इसकी कास्ट। ये कास्ट हमने ये पेड़ लगाया 1,05,000 का, तो हम चेक कर लेते हैं इसमें हमारे पास एवरेज कितने चिक्स आते हैं। जब ये देख रहे हैं चार्ट में, इसमें देखिए अगर हमने वायलेट ग्रीन और प्लान की मेल लिया 75,000 का और पार ब्लू यू की फीमेल ली 30,000 की, तो इससे हमारे पास टोटल पेयर कास्ट हमारे पास आई 1,05,000। तो इसमें अगर हम दो किस्म की विजुअल फीमेल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक क्लच में हमारे पास विजुअल दो फीमेल आ जाती हैं और दो हमारे पास स्प्लिट मेल आ जाते हैं, तो तकरीबन हम इससे 2.25 लाख या 2,40,000 तक कमा सकते हैं एक क्लच में। तो एक क्लच में हम तकरीबन 2,40,000 कमा सकते हैं। तो तीन क्लच में हमने देखा कि एक सीजन में हम 7,20,000 कमा सकते हैं। ये एक बहुत प्रॉफिटेबल पेड़ है। अगर हम ये पेड़ लगाएं तो इससे डिफरेंट चिक्स की पॉसिबिलिटीज आएगी। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं कि मेल कितने आए, फीमेल विजुअल कितनी आई, तो ये वेरी थोड़ी कास्ट वेरी ऊपर नीचे भी कर सकती है। तो ये मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली कास्ट बताई, और इसके साथ जो चिक्स की पॉसिबिलिटी वो भी मैंने अप्रॉक्सीमेटली बताई, और जब ब्रीड आएगी तब हम उसका कन्फर्म अंदाजा लगा सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये थी मैंने आज आपको डिस्कस की, मैंने आपसे दो किस्म की पेयरिंग, मैंने साथ में आपसे डिस्कस की इसके चिक्स की पॉसिबिलिटीज, और मैंने साथ में डिस्कस की हम कैसे इसको मार्केट में किस रेट पर सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।